हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का पहला थ्योरम, जिसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए हमेशा यूनिक इंटीजर्स का सेट होगा क्यू एंड आर फॉर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पर जो आर है वो क्या होगा, या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, और R हमेशा B से छोटा होगा। अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे। ये कहता है, नाम से इसके पता चल रहा है कि ये डिवीजन से रिलेटेड है। जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो क्या चीजें होती है, एक तो होता है डिविडेंड जिसको अपन डिवाइड करते हैं, एक होता है डिवाइजर जिससे अपन डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वेश्चेंट जो अपना आंसर होता है, और एक होता है रिमाइंडर जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है। So, ये कहता है ए है डिविडेंड, बी है डिवाइजर, क्यू है क्वेश्चेंट और आर है रिमाइंडर। तो ये कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू डिवाइड 21 बाय 6, अब दो वैल्यूज हैं, एक है 21 और दूसरा है 6। तो ये तो अपन ने बचपन से सीखा है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिविडेंड, और छोटी वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर। तो 21 और 6 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21, तो ऑब्वियसली ये होगा डिविडेंड और 6 क्या होगा अपना, डिवाइजर। जब अपन 21 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो 6 3 जा 18, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो यहां पे डिवाइजर क्या है, 6, डिविडेंड है 21, क्वेश्चेंट है 3 और रिमाइंडर है 3। ठीक है, तो अगर इसको अपन इस इक्वेशन के हिसाब से लिखे तो क्या लिखेंगे, 21 is equal to 6 into 3 plus 3। बस यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात देखना, व्हेन यूक्लिड्स डिवीजन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग HCF, इट इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या करते हैं अपन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के भी यूज लेते हैं। जब यूक्लिड्स डिवीजन को अपन यूज ले रहे हैं HCF निकालने के लिए, तो अपन इसको क्या कहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके थ्रू वो देखते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे। एग्जांपल है कैलकुलेट HCF ऑफ 420 एंड 130। तो उसको देखते हैं। अब अपने को कैलकुलेट करना है HCF ऑफ 420 एंड 130। तो एक मेथड तो वो है HCF कैलकुलेट करने का जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, वो है ये वाला मेथड, फैक्टर्स करके फिर कॉमन देखना। एक मेथड वो है जो भी अपन करके देखेंगे किससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले अपन 420 और 130 का HCF कैलकुलेट करके देखते हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, तो 420 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से इसको करेंगे तो आएगा 210, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 105, तो अब ये 3 से जब इसको करेंगे तो ये आएगा 35 को करेंगे 5 से आएगा 7 से करेंगे तो आएगा 1। तो 420 के फैक्टर्स क्या है, 420 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ओके, अब 130 का देखते हैं, 130 को 2 से करें, 2 से करेंगे तो आएगा 65 5 से तो आया 13 से आया 1। तो यहां पे 130 के फैक्टर्स क्या है, 130 इज इक्वल टू 2 × 5 × 13। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है देखे, एक तो है 2, एक है 5, 3 इसमें नहीं है, 13 ऊपर नहीं है और 7 नीचे नहीं है। तो अब अपना HCF क्या हुआ, यहां पे HCF इज इक्वल टू 2 × 5 जो कि आया 10। ओके, तो इस मेथड से अपन ने HCF कैलकुलेट करा और क्या आया, 10। अब अपन यही सेम HCF इन्हीं दो डिजिट्स का कैलकुलेट करके देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। जब इससे कैलकुलेट करते हैं ना, तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है डिवाइजर, और बड़ी वैल्यू होती है डिविडेंड। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 130 को 420, तो 130 इंटू 3, 133 जा 390, और अब यहां पे अपने पास क्या बचा, 30।
तो अब अपने को क्या करना है कि यहां पे जो अपना रिमाइंडर है उस रिमाइंडर से अपने को ऊपर वाले डिवाइजर को डिवाइड करना है। मतलब ये जो रिमाइंडर है ये बन गया अपना नया डिवाइजर, और ये जो यहां पे डिवाइजर था पहले वाला वो बन गया अपना डिविडेंड। तो 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 4 जा 120, कितना बचा अपने पास 10। जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता नीचे तब तक अपने को ये सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अपन क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ गया 30, 10 3 जा 30, यहां पे अपने पास रिमाइंडर क्या आया 0। जब अपना रिमाइंडर 0 आ जाता है तभी प्रोसेस खत्म हो जाती है, और जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है अपना वही अपना क्या होता है HCF। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर क्या आता है 0, वही डिवाइजर होता है अपना HCF। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और लास्ट वाला 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। यहां पे रिमाइंडर क्या है अपना 0, क्योंकि अपन लिखते क्या है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर अपना 0 कहां पे आया है यहां पे। तो यहां पे जो अपना डिवाइजर है वही अपना क्या है HCF, तो HCF क्या आ गया अपना 10। तो यहां पे भी HCF 10 आया, यहां पे भी HCF 10 आया। जैसे ये वाला मेथड बहुत इजी है वैसे ये वाला भी इजी है। तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, और अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं।